यूनिवर्सिटी, कोमान यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों सीयूईटी की शुरुआत होती है सन 2021 के अंदर, जिसका मतलब होता है इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सबके जो एडमिशन है वो एक ही एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होंगे, जिसको जो है सीयूईटी कहा जाता है। अब सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जनरली मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर या फिर फरवरी के अंदर आते हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज के कारण मार्च के लास्ट में भी आ सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन मई के अंदर हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं, अगर सिचुएशन ठीक रहता है तो। अब हम बात करते हैं सीयूईटी के बारे में। इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जैसा कि इसके अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इंडिया के जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे के सारे इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं वो इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे A+ एक्रेडिटेड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसके साथ ही ऑटोनोमस कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज सीयूईटी का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर सीयूईटी में एप्लीकेशन की बात की जाए तो जेईई मेन को भी सीयूईटी ने पीछे छोड़ दिया है। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है सीयूईटी। 2022 की अगर बात की जाए, यूजी पोर्टल के लिए 15 लाख एप्लीकेशन सीयूईटी के अंदर दाखिल किए गए थे यूजी के लिए। इसके साथ ही पीजी की अगर बात की जाए, पीजी के अंदर ऑलमोस्ट 13 लाख एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट ने दाखिल किए थे, जहाँ पर जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेते हैं। उसके बाद अगर एडमिशन प्रक्रिया की या फिर प्रोसेस की, एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, तो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, स्पेशली आपके लिए अलग अलग बिलोंग करता है। अगर आप बीटेक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, देन जो है आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद जो है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका जो भी अदर सब्जेक्ट होता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप PCM आपके पास, आप अगर CUET के पेपर में सेलेक्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आप अगर इन तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं CUET के थ्रू, देन जो आप डेफिनेटली बीटेक प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत ही कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हैं जो कि बीटेक प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं थ्रू द सीयूईटी एग्जाम। इसके अलावा अगर आप जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, देन आपके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बीटेक के अलावा आप मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, देन फार्मेसी के कुछ कॉलेजेज हैं जो कि आपको सीयूईटी के थ्रू मिल जाते हैं, अन्यथा आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जितने भी एग्जामिनेशन, जितने भी आपके कोर्सेज बच जाते हैं, चाहे वो BBA हो, BA हो, BSc हो, इसके लिए सीयूईटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके अंदर आप इंडिया की जितने भी कॉलेजेज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आप बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं और सीयूईटी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में या फिर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन जो आप सीयूईटी का एप्लीकेशन जरूर से फिल करें। जब भी आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां दी होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन के पेपर को ठीक से सेलेक्ट नहीं करते। पहले आपको चेक करना होता है, डिसाइड करना होता है कि आखिरकार आप किस किस कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड है और आप जो किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको उस कोर्सेज के कोड सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे हजारों पेपर्स दिए होते हैं सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। आपको पहले चूज करना होता है या फिर पता करना होता है कि आपका जो कोर्स है उसका पेपर कोड क्या है, या फिर आप जो कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आप BBA फिजिक्स साइकोलॉजी करना चाहते हैं, या फिर आप सोशियोलॉजी करना चाहते हैं, या फिर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप पता कर सकते हैं कि आखिरकार मेरा जो कोर्स है किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और उस कोर्स के लिए सीयूईटी में कौन कौन से पेपर अनिवार्य है। इसके लिए एक सही PDF जो है अटैच किया जाता है वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आप जो PDF को जरूर से चेक करिए, अपने कोर्सेज चेक करिए, अपने लिए यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज जो है वहाँ पे जरूर से सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जितने चाहिए अनलिमिटेड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद जब भी आप फॉर्म फिल कर देते हैं, आपके फॉर्म के ऑलमोस्ट 600 रुपए यूनिवर्सिटी सीयूईटी जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसके लिए चार्ज किए जाते हैं। जैसे आपके 600 रुपए चार्ज किए जाते हैं उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड आ जाता है। अगर बात की जाए एग्जाम सेंटर्स की, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको दो दो तीन तीन सेंटर भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही इस एग्जाम की अगर बात की जाए, ये दो स्लॉट के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट स्लॉट होता है, देन सेकंड स्लॉट होता है। सारी की सारी एग्जाम जो है कंप्यूटर पर कंडक्ट कराई जाती है, तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए भारत के हर बड़े शहर के अंदर, चाहे वो जयपुर, सीकर, राजस्थान, कोलकाता, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट जो है इसके एग्जाम सेंटर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। ये वेरी करता है कि वहाँ से एप्लीकेशन कितने आए। इसके बाद आपके एग्जाम के अंदर पेपर देते हैं आप, आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपको इंडिविजुअल हर कॉलेज के ऊपर जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग करनी होती है, आपको अप्लाई करना होता है कि आपका एडमिशन इसमें होगा कि नहीं होगा। जिसमें भी आप अगर इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट एंड एथलीट प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर 600,000 एप्लीकेशन दाखिल होते हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600,000 एप्लीकेशन दाखिल किए थे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्रेज सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा है। आप किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यूनिवर्सिटियों की, तो यूनिवर्सिटियों सीयूईटी के थ्रू जो है आपको एक वन प्लेटफॉर्म मिल चुका है। हालांकि अगर पिछले कुछ सालों की बातें की जाए, पिछले सालों के अंदर जो है बच्चों को हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी, जेएनयू अलग कराती थी, बीएचयू अलग कराती थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग कराती थी। लेकिन अभी वो प्रोसेस जो है हट चुका है। अभी आप सिर्फ एक एग्जाम लेके इंडिया की ऑलमोस्ट कॉलेजों के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एक 12th साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जेई मेन एंड आप सीयूईटी दे सकते हैं, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास आईएएससी, आईसीएर एंड नाइसर के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली इन कॉलेजों में आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।